जो वीडियो वायरल हुई है उसमें एक लड़की ने ये बोला है कि 700 स्टूडेंट्स टोटल थे, डेपोटेशन लेटर 700 के 700 स्टूडेंट्स को नहीं आया डेपो, ये तो फेक एलओए हैं, फेक ऑफर लेटर्स हैं। मॉर्निंग ऑफ द डे गाइस, तो उठने का बिल्कुल मन नहीं था, पर तुम्हें पता है यहाँ पे पर उठना पड़ेगा। 8 बजे टैक्स थे, 7:25 हो गया, मुंह हाथ धोना है और खाना भी खाना है। दूध हो रहा है अपना गर्म, बस 15 मिनट में टेस्ट है तो देके मिलते हैं। टेस्ट हो गया था भाई अपना, जन दूध भी पी लिया था, अब चलते हैं नहाने। थोड़ा आलस को त्यागते हुए आज भी भाई सोच रहे हैं रोटीज को गर्म कर लेते हैं। माई लवली रोटीज, तुम गर्म होना चाहती हो? यस, ये गर्म होना चाहती है। सब्जी कर दिया गर्म, ये गैस हुई गर्म हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो चलो आज तुम्हें मैं सिखा दूंगा रोटियां कैसे गर्म करते हैं। कितना कुछ सीखोगे भाई मेरे से तुम, कैनेडा में मैं तुम्हें सब सिखा रहा हूँ भाई। बस मेरे को बेड मिल जाए, मैं गिरने वाला हूँ, इतना थक रखा हूँ ना भाई। कल कॉलेज से आई, इधर रोटियां गर्म कर रहा हूँ, कल कॉलेज से आया था, कॉलेज से आने के बाद थोड़ा ही रेस्ट मिल पाया, रेस्ट मिल ही नहीं पाया, थोड़ा ही मिला। फिर उसके बाद सुबह सुबह टेस्ट दिया, अब फिर फ़ोन आ गया कि काम पे जाना है, तो अब काम पे जा रहा हूँ आज। फिर मेरे को लगता है 10 घंटे लगेंगे, तो 10 घंटे लगाना इज नॉट एन ईजी जॉब, क्या करें भाई, करना पड़ता है। किसने रील शेयर करी है? अक्षित भाई ने हमें हमारे रील शेयर करी है। अक्षित भाई को शाउट आउट, अक्षित भाई तुम्हें 200 बंदों का शाउट आउट, तुम्हें 200 बंदे देखेंगे तुम्हारा नाम। तो अपने ये हो रही है रोटीज गर्म, लाइफ बहुत हार्ड है कैनेडा में गाइस, इट्स नॉट एन ईजी लाइफ, इंग्लिश मार दिया मैंने। सो माई वेजिटेबल इज गेटिंग वेरी हॉट एज लाइक माई, नहीं नहीं मैंने बताया था ना पिछले ब्लॉग में, वो सब बातें छोड़ दी हैं। तो भाई मैं सोच रहा हूँ बर्तन बचाने के लिए ना ये इसी में डाल लेता हूँ। तो हाँ, बर्तन बचाने वाली योजना को आगे रखते हुए हम सब्जी अपने प्लेट में ही डाल देंगे। तो ये हमने डाली एक कड़छी। आजा, I wanna clarify you guys that life is not easy here in Canada. You have to be strong enough to survive here. So I'm just trying to be strong enough to survive here. क्या बोली जा? Welcome back to the Jannat guys. रूप देख के समझ ही गए होंगे, चल दिया हूँ काम के लिए। ओ भाई इसकी कार तो फटने वाली हो रही है, फिर भी चला ही रही है ये। तो यार ये सेम फ्रेम क्या ही दिखाऊँ, मेरी शक्ल देखो भाई, थोड़ी सी मेरी शक्ल देख लो। काम पे निकल चुका हूँ भाई, आज फिर लगने वाले हैं, 12 बज गए, 12 बजे जा रहा हूँ अब मैं, 12:15 हो गया, 12:30 तक पहुँचना है। और उसके बाद अपने का काम, अपने को क्या काम है, अपने को काम है कि अपने का 10:30 बजे तक काम है, 10:30 या 11 ही बजेंगे, फिर घर आके व्लॉग एडिट करना है, और सिर पे इतनी सारी असाइनमेंट्स पेंडिंग है, और एक टेस्ट पड़ा है मेरा अभी पेंडिंग, और एक टेस्ट कल देना है 12:30 बजे। तो कुल मिला के ज़िंदगी के चारों तरफ से लगे पड़े हैं, तो बस करी जा रहे हैं, एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं आगे। ये देखो भाई, यहाँ पे कुछ तो तैयार हो रहा है मेरे घर के पास ही, पता चले कल को यहाँ वॉलमार्ट खुल जाए तो कितने मजे आ जाएंगे। ये देखो सारा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वैसे तो कहते हैं लकड़ी का बनाते हैं बट ये लोहा की यूज कर रहे हैं। यार यहाँ पे कार्स की एजेंसीज बहुत ज्यादा है, तो पता कुछ नहीं पता, यहाँ पे मारुति सुजुकी का शोरूम खोल दे यहाँ पे, क्या पता चलता है। सेल ऑन नाउ, क्या सेल दोगे तुम ह्युंडई वालों, इनकी कार्स देखो कितनी है भाई। 5 घंटे भट्टे पे इंटे बनाने के बाद ब्रेक मिली है, खा के मिलता हूँ, बाहर मौसम हो रहा है सेक्सी। आ जाओ गाइज, खाना खा लो, रात का डिनर विकफील्ड डेजर्ट में आइसक्रीम, इधर मेरा चार्जर, उधर चिकन ग्रैब हो रहा है, सारा दिन खाता है, इधर अपनी पानी की बोतल, और इधर मैं जिसे देखने के लिए तुम वेट कर रहे थे। आज ज्यादा व्लॉग नहीं बन पाया, इतना ही बना, तो ठीक है मिलते हैं आगे। कम बैक गाइस, तो थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। तो तुमने सुना होगा कि बड़ी न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ में आ रहा है कि कनाडा में 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करा है, तो तुम्हें आज उसके पीछे का सीन बताता हूँ। वो जो डिपोर्टेशन है उसका मतलब ये है कि वो ऐसे शुरू हुई कि जलंधर का एक एजेंट था कोई राजेश करके, जिसने कि स्टूडेंट्स को मतलब कहा कि वो 16-17 लाख के पैकेज करता था कि फीस वगैरह कॉलेज की मैं भरूंगा, सब कुछ मैं भरूंगा, तुम्हें सिर्फ GIC देनी है और बाकी जो वीज़ा की पेमेंट है वो आफ्टर वीज़ा करनी है। तो उसने क्या करा, जो ऑफ़र लेटर्स होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी उनके पास ऑफ़र लेटर्स पड़े थे, मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजेस के, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए, हम्बर हो गया, सैनिका हो गया, और ये सब कॉलेजेस के ऑफ़र लेटर पड़े थे, तो उन्हें एडिट वगैरह करके उसमें मतलब नेम वगैरह चेंज कर दिया स्टूडेंट्स का, और सब कुछ चेंज करके मतलब एडिट करके, तो वो फेक ऑफ़र लेटर बनाए उसने, और उसके बाद ऐसी फेक LOA बनाए, और
ये सब बनाने के बाद फेक एलओए बनाए कि फीस भर दी है स्टूडेंट ने, ये नाम है एडिट वगैरह करके, और ऑफर लेटर पे भी। तो ये सब करने के बाद उसने ये सब चीज़ें मतलब आगे फिर एम्बेसी में फाइल भी लॉज कर दी, और एम्बेसी वालों ने भी मतलब वो ऑफर लेटर्स देखे, एलओए देखे, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी देखा कि भाई जेन्युइन ही होंगे, कि भाई नाम है स्टूडेंट का, सब कुछ है। तो एम्बेसी ने भी वीज़ा दे दिया, तो स्टूडेंट्स भी कैनेडा पहुंच गए। तो स्टूडेंट्स कैनेडा आए, एयरपोर्ट पे उतरे, एयरपोर्ट पे भी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इमिग्रेशन में, तो इमिग्रेशन भी उनकी क्लियर होगी ना। दिल्ली पूछा, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, सबको लगा जेन्युइन केस है भाई, ऑफर लेटर सब कुछ जेन्युइन था जब एम्बेसी ने वीज़ा दे दिया। तो वो अपना रहे, तो जैसे ही वो कैनेडा पहुंचे तो उनके एजेंट ने रिकॉर्ड रखा एक एक बंदे का कि कौन कहाँ पे है। तो उसने सबको फ़ोन करा, एक एक बंदे को फ़ोन करा कि भाई तुम्हारे कॉलेज में ऐसे ऐसे करके कॉलेज में सीट्स भी लगी हैं, तो तुम ऐसा करो या तो किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लो, मैं तुम्हें अपनी मतलब नॉन का कॉलेज मतलब उसकी नॉन में जो भी कॉलेज होंगे उनमें एडमिशन दिलवा देता हूँ, या उसके अलावा अगर तुम अपनी मर्जी के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो उसमें एडमिशन ले लो। तो उसने कहा कि जो फीस वगैरह वो भी मैं तुम्हें सारी रिफंड कर दूंगा। तो जो भी उन्होंने फीस भरी हुई थी कॉलेज की, 8-8, 9-9 लाख जो भी होगी, तो उन एजेंट ने सबको वापस कर दी, जितने भी स्टूडेंट थे। स्टूडेंट्स को भी लगा भाई जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने मतलब इसने ये फीस भी वापस कर रहा है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ने, कई स्टूडेंट्स ने तो मतलब एडमिशन ले लिया अपनी मर्ज़ी से अपने कॉलेजेस में, और कई स्टूडेंट्स ने उसमें एडमिशन ले लिया जिसने मतलब जिसमें एजेंट ने उन्हें कहा था कि मैं दिलवा दूंगा, तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर दी, कंटिन्यू कर दी, उनका एडमिशन हो गया था, स्टडीज़ वगैरह करने लग गए। और बच्चों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बच्चों ने भी कॉलेज में जाके पूछा नहीं कि ये करके क्या सीट्स फिल हो गई हैं, क्या ऐसा कोई सिस्टम हुआ है, ये मेरा ऑफर लेटर है। बच्चों ने भी कहा कि ठीक है भाई हमारे पैसे वापस आ रहे हैं, हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, एक बार कैनेडा तो पहुँच गए हैं। तो उन्होंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अपनी स्टडी वगैरह स्टार्ट करी, स्टडीज़ वगैरह कम्प्लीट करी, वर्क परमिट के लिए PGWP के लिए अप्लाई करा, वो भी उनका वर्क परमिट भी आ गया, उन पर उन्होंने वर्क परमिट पर काम भी करा, अपने पॉइंट्स भी इकट्ठे करे। उसके बाद PR की फाइल लगाई, तो गड़बड़ हुई यहाँ पे। जब उन्होंने PR की फाइल लगाई, तो जब PR की फाइल लगती है तो एम्बेसी जो है एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है और चेक करती है। तो फिर उनका जितना भी रिकॉर्ड था वो सारा निकला, सारा चेक हुआ, फिर उन्होंने देखा कि ये तो फेक एलओए हैं, फेक ऑफर लेटर्स हैं। तो तब एम्बेसी ने एक चेक करा, दो चेक करा, ऐसे ऐसे करके काफी सारे निकले हैं। तो फिर डेपोटेशन के लेटर आए उनको कि तुम्हें डिपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट्स कुछ कर भी नहीं सकते हैं, अब उन्हें वापस जाना पड़ सकता है। अगर वो केस करते हैं मतलब तो लॉयर हायर करने के लिए लॉयर की फ़ीस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होगी, और 3-4 साल वैसे लग जाएंगे केस क्लियर होने में, तो उसके लिए भी वो स्टक रहेंगे। तो मतलब स्टूडेंट्स के लिए, कुल मिला के उन स्टूडेंट्स के लिए तो उनका तो एक टाइप से फ्यूचर ख़राब हो गया। इसमें गलती एम्बेसी की भी कह सकते हैं, हम एम्बेसी ने बिना वेरीफाई करे वीज़ा कैसे दे दिया, पर देखा जाए तो एम्बेसी के पास इतनी सारी ऑलरेडी फाइल्स होती हैं, तो वो किस किस को गो थ्रू करेंगे, तो ये हो सकता है। और रुको 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 भाई, ये सब थी एक कहानी जो बन रही है, पूरी वायरल हो रखी है। अब सुनो इसकी रियलिटी, जो असली में रियलिटी, इसकी रियलिटी एक और बात। मैंने अभी वीडियो देखी थी, उन्होंने उसमें उस बंदे ने बताया, एक बंदा है उसने बताया वीडियो में कि वो बता रहा है कि जो वीडियो वायरल हुई है ना, तो ना जो वीडियो वायरल हुई है उसमें एक लड़की ने ये बोला है कि 700 स्टूडेंट्स टोटल थे, डेपोटेशन लेटर 700 के 700 स्टूडेंट्स को नहीं आया, डेपोटेशन लेटर सिर्फ 2 या 3 बच्चों को आया। तो अभी वेरीफाई हो रहे हैं 700 के 700 बच्चों को नहीं आया, तो मतलब बता रहे हैं, मैंने वीडियो देखी है, तो वो फेक न्यूज़ वायरल हो रही है थोड़ी सी। तुम्हें पता ही है, अपने एक बात का हवा बना देते हैं। तो दैट्स इट, फिर आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, ज्ञान दे दिया, तो देख लेना, बाय बाय।